बच्चों इस लेक्चर के जो ए पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन कराया है इलस्ट्रेशन 59 कराई है उसके अंदर मैंने आपको रिवेल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी बताई है। लेकिन अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है कि पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो बच्चे जिस सीक्वेंस में मैंने सम किया है रिवेल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल उसी सीक्वेंस में आप एंट्रीज पास करोगे, ठीक है। रिवेल्यूशन की बच्चे तीन एंट्री होती है, ध्यान से सुनना। आपके पास सम सॉल्व करने के लिए बैलेंस शीट गिवन, क्वेश्चन में जो गिवन है वो बैलेंस शीट और नीचे कुछ असेट कितने से इंक्रीज हुई वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम रिवेल्यूशन करते हैं। फर्स्ट थ्री एंट्रीज रिवेल्यूशन अकाउंट की होती है, एक लॉस की एंट्री और एक इनकम की, फिर रिवेल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, ठीक है। तो अब मैं लाइन से पढ़ रही हूँ, वही क्वेश्चन है पूरा इलस्ट्रेशन 59 में। बैलेंस शीट के नीचे रिवेल्यूशन वाली चीजें दी हुई हैं वो पढ़ रही हूँ। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स, डेटर्स पे कितना प्रोविजन मेंटेन करना है 5%। ऑलरेडी कितना बना हुआ है 8, 20 पे 5% 1000, ये मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मुझे कितने से और बनाना पड़ रहा है 200 से, तो प्रोविजन बनाना मेरे लिए लॉस और लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में आते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो बच्चे होगी, फर्स्ट एंट्री जनरल के फॉर्मेट में करनी है ये एंट्री। फर्स्ट एंट्री बच्चे रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से प्रोविजन बना 2, 20 पे 5% 1000 होता है, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है 8, तो 1000 करने के लिए मुझे कितने से और बनाना पड़ेगा 200 से, ठीक है। और प्रोविजन बनाना मेरे लिए लॉस है बिकॉज इट डिक्रीजेस टू डेटर, प्रोविजन मेरे डेटर को डिक्रीज करता है इसलिए लॉस है, ठीक है। और लॉस से रिवेल्यूशन डेबिट होता है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि जितना भी पूरा मैं सम पढ़ रही हूँ जो भी लॉस है वो रिवेल्यूशन के डेबिट में, एक लॉस की एंट्री और एक प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एक्रूड इनकम, बी पॉइंट पढ़ो, एक्रूड इनकम 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। एक्रूड इनकम होती है अर्न बट नॉट रिसीव, तो रिसीव तो हो जानी है, जो चीज रिसीव हो जानी है वो हमारी असेट होती है, तो अंदर ही असेट नहीं है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, पूरी असेट इंक्रीज बढ़ रही है हमारी। देखो अंदर कोई असेट 1 की है और अब 2 की हो गई, तो 1 से इंक्रीज हो रही है, पहले से है नहीं और अब 1500 हमें दिखानी है, तो पूरी असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट रिवेल्यूशन के क्रेडिट में आते हैं, ठीक है। तो ये इस एंट्री में नहीं आ सकता, तो सेकेंड एंट्री बचे रिवेल्यूशन को क्रेडिट करना है, तो एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, ठीक है। तो एक्रूड इनकम असेट का नाम है एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन 1500 से असेट। अभी और पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा तो कर लेंगे, ठीक है। क्या पता हमारे पास कोई और असेट इंक्रीज हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो, वो इसमें टोटल में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, 5000 सैलरी के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट मीन्स येट टू बी पेड, ऐसी सैलरी जो अभी पे होनी बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि अंदर तो ये लायबिलिटी है नहीं, तो बाहर इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस और लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में, तो ये इधर ही आएगा, तो रिवेल्यूशन डेबिट करेगा, तो एंट्री बनेगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि 5000 आपको किसी को देने हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं थे और अब बाहर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि देने हैं इतने, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस, लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में, तो इस एंट्री में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 6, अंदर 8 है और अब 6 हो गई, तो 2 से असेट क्या हो रही है डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होना लॉस, लॉस से रिवेल्यूशन डेबिट होता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवेल्यूशन को डेबिट रखना है, तो एंट्री बनेगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2000 से। उसके बाद बच्चे इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया, वो बाद की बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइन,
मतलब रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आगे कुछ नहीं है। तो आपके पास टोटल लॉस की एंट्री 72, आप यहाँ लिख सकते हो किस वजह से लॉस हुआ, असेट डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और प्रोविजन बना है। लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, जिसकी वजह से लॉस हुआ वो लिख दो। और यहाँ प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है, असेट इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू इंक्रीज होने पर, ठीक है। तो नरेशन लिख लेना, उसके बाद देखो आप मुझे बताओ लॉस कितने का है 72, प्रॉफिट कितने का है 15, तो क्या चीज ज्यादा है लॉस, तो 7200 लॉस में से 1500 प्रॉफिट लेस करो तो आपके पास लॉस बचेगा। आपको ध्यान होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी लॉस निकल के आ रहा था, और थर्ड एंट्री में लॉस को बांटने की एंट्री करते हैं। तो बताओ लॉस को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, लेकिन कैपिटल फिक्स थी इसलिए करंट अकाउंट में बांटते हैं, ठीक है। तो बताओ करंट लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन कैपिटल को नहीं करना करंट को करना है, तो एंट्री बनेगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइस करंट अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट का लॉस है, रिवॉल्यूशन अकाउंट का। तो तीन एंट्री में ही खत्म, कितना लॉस निकल के आया 57, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो बच्चे बुक की सीक्वेंस में मत करना, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको अकाउंट बनाने बताए हैं उसी सीक्वेंस में मैं आपको एंट्री पास करना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो में बांट लोगे 3420 2280 ओल्ड रेशियो में बच्चे, ठीक है। इसका नरेशन लिख देना, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट थ्री एंट्री तो बच्चे ये हो गई। तो बच्चे जो मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था वो थ्री एंट्रीज होती हैं, एक लॉस की और एक इनकम की, एक जो फिर प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपको एंट्री इसी सीक्वेंस में पास करनी है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की तीन एंट्री से आपका फर्स्ट थ्री एंट्रीज हो गई, ठीक है। बुक की सीक्वेंस से नहीं, इस सीक्वेंस में आपने सम को अटेम्प्ट करना है। बताओ सेकेंड नंबर पर आपने कौन सा अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में कैपिटल के बैलेंस लिखे थे, करंट अकाउंट में करंट के बैलेंस, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड नंबर पे आपने ट्रांसफर किया था रिवॉल्यूशन का लॉस, वो एंट्री हम बांटने की कर चुके हैं। थर्ड नंबर पे मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखना है, बैलेंस शीट के क्रेडिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं जनरल रिजर्व, उसको बांटने की एंट्री। तो बताओ एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट है डिक्रीज पे डेबिट, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट में नहीं दोगे, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बचे कितना है टोटल 12, और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2, तो 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 72:48। लिख देना नरेशन, जनरल रिजर्व ट्रांसफर बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस के नाम से नहीं पड़े हुए। उसके बाद डेबिट साइड में एक और चीज़ देखनी है, ओल्ड गुडविल पड़ी होती है, देखो पड़ी हुई है ओल्ड गुडविल, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो नेक्स्ट राइट ऑफ की एंट्री, गुडविल डेबिट है डिक्रीज पे क्रेडिट, कितने गुडविल दिखाई हुई है 10, कौन राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में 3:2, तो एक्स करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, लेकिन इस पर कैपिटल को डिक्रीज नहीं करना, करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज पे डेबिट 6000 4000 ओल्ड रेशियो में। नरेशन लिख देना, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद बच्चे बैलेंस शीट के क्रेडिट में देख लिया, बैलेंस शीट के डेबिट में देख लिया, उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देने की एंट्री, लेकिन न्यू पार्टनर को एडमिशन देने के टाइम जो कैपिटल वो गुडविल लेकर आता है उसकी एंट्री करने से पहले आपको देखना है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली या कोई लायबिलिटी तो नहीं ली,
तो आपको पता है इस क्वेश्चन में था कि इन्वेस्टमेंट एक्स ने ली है तो उसकी एंट्री, ठीक है, तो बताओ एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली है तो बिजनेस से क्या चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 6, किसने ली है, एक्स ने, लेकिन एक्स फ्री में नहीं ले सकता, हम उसके अकाउंट से काट लेंगे, कैश तो देगा नहीं वो, अकाउंट से काटेंगे, और कौन से अकाउंट से, करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो ये एंट्री है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से असेट लेता है तो उसके अकाउंट से पैसे कट गए, तो एंट्री बनी हमारी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इस सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद अब न्यू पार्टनर को एडमिशन देने की एंट्री स्टार्ट कर दो, ठीक है, लाइन से चल रहे हैं, देखो हम बिल्कुल जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट में चीजें डाली थी एज इट इज, अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो, न्यू पार्टनर 20,000 तो कैपिटल लाया था, 12,000 गुडविल लाया था, आपको मैंने इसके ए पार्ट में कैलकुलेट की थी गुडविल, वहां से देख लेना, ये दोनों पार्ट आपने इकट्ठे देखने हैं, तो बताओ बिजनेस में आएगा क्या, कैश एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ करंट नहीं आएगा क्योंकि जेड इज अ न्यू पार्टनर, ये इसकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, ठीक है, तो कितनी कैपिटल लेकर आया है 20, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है स्टार्टिंग वाली कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, इसके अलावा पार्टनर को कुछ भी देते हो वो करंट अकाउंट में दोगे, तो ये तो इसकी अभी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, साथ में ये गुडविल आया है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी कैलकुलेट हुई है लास्ट लेक्चर में देख लेना, 12, तो 32 बिजनेस में कैश आया है, प्लस जब आप अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चन करते थे गुडविल के, मैंने कहा था यहाँ पे कैश और बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन अब बैलेंस शीट में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, वो यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद ये गुडविल की अमाउंट किसको दी जाती है, ओल्ड पार्टनर को, तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, नरेशन लिखना कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि ये न्यू पार्टनर गुडविल इसलिए लाया है क्योंकि उसके एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, तो बांटेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, लेकिन कैपिटल को क्रेडिट नहीं करोगे करंट को, क्योंकि इस बार सारी चीजें करंट अकाउंट में देनी है क्योंकि कैपिटल फिक्स है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन की आपने निकाली थी 7:3 आ रही है, ठीक है, तो निकाल लेना, ये मैंने निकाली हुई थी 7:3 में बांटी हुई थी, नरेशन लिख लेना गुडविल ट्रांसफर टू, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लास्ट एंट्री होती है कि ये जो गुडविल की अमाउंट इन्हें मिली है इसकी हाफ ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ इन्हें कितनी गुडविल मिली है, 84, तो ये विड्रॉ करेंगे तो इनका करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से चला क्या जाएगा, कैश, तो 84 का हाफ 42, 36 का हाफ 18, 6,000, नरेशन लिख लेना अमाउंट, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, आधी गुडविल की अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो ये तीन एंट्री होती है लास्ट की, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आपने चीजें इस सीक्वेंस में डाली हैं, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, सेकेंड नंबर पे रिवेल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, फिर बैलेंस शीट के क्रेडिट में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं उसकी एंट्री, डेबिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और ओल्ड गुडविल होती है उसकी एंट्री, फिर न्यू पार्टनर एडमिशन देते हैं वो कैपिटल लाता है, लेकिन उससे पहले किसी ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली उसकी एंट्री डालते हैं, फिर न्यू पार्टनर आता है कैपिटल लाता है गुडविल ओल्ड पार्टनर को देते हैं और विड्रॉ की एंट्री, तो लास्ट ये थ्री एंट्रीज होती हैं। तो इसी सीक्वेंस में आपने सम को अटेम्प्ट करना है, बुक में सीक्वेंस कोई भी एंट्री कभी आगे पीछे उठा के दी है इस तरह से नहीं करना, तो सम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप है, सीक्वेंस है, यू हैव टू फॉलो, इसको फॉलो करना है आपने, ठीक है बच्चे। तो ये इलस्ट्रेशन 59 को अगर अकाउंट आते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट, अगर जर्नल एंट्री आती है तो हाउ टू अटेम्प्ट, उसके बाद बच्चे बनती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने की कोई एंट्री नहीं होती, तो एंट्रीज जो पास होती है जो रिवेल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक की होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आते हैं बचे हुए बैलेंस, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं, ठीक है। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन 59 को
अकाउंट कैसे बनाना है और अगर एंट्री आते हैं तो कैसे पास करनी है, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 60 करते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं।